हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इजी इंग्लिश स्पीकिंग में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कुछ एक्शन। जी हां, हम कुछ वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। VERBS वर्ब्स। वर्ब्स को ज्यादातर के एक्शन के साथ में जोड़ा जाता है। किसी को भी आप पूछेंगे ये वर्ब क्या है, तो आपको बोलेगा ये एक्शन वर्ड है। हर एक्शन वर्ड वर्ब को होता है, लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं है। इसे है बी यानी होना, वो भी वर्ब है। डू यानी करना, वो भी वर्ब है। थिंक सोचना, वो भी है। लाइक भी वर्ब है। और ओन यानी किसी चीज का मालिक होना, वो भी वर्ब है। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसमें एक्शन हो नहीं रहा लेकिन वो वर्ब है। और एक्शन वर्ड्स तो डेफिनेटली वर्ब होते हैं, जैसे कि प्ले, स्टैंड, सिट, शाउट, सिंग, ये सब वर्ब्स है। वर्ब की एक खासियत होती है, वो है कि वर्ब में टेंसेस होते हैं, यानी कि काल, यानी कि वक्त के साथ वो बदलता है। कोई काम आप अभी कर रहे हो, कल कर चुके हो, कल करने वाले हो, या ऐसा कोई काम जो आप कंटिन्यूसली करते हो, रोज करते हो, जैसे रोज उठते हो, रोज नहाते हो, रोज खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो या काम पर जाते हो, वक्त के साथ वो वर्ब भी बदलता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको जो बताते हैं कि मेरे पास या आपके पास कुछ है, जैसे कि हैव या हैज, उसका मतलब होता है कि ये मेरे पास है या मैं ये ले रहा हूं। आई एम हैविंग टी का मतलब है मैं चाय पी रहा हूं या मैं चाय ले रहा हूं। आई एम हैविंग माई मेडिसिन, मैं अपनी दवा ले रहा हूं, है ना। जैसे कि एक टैबलेट होती है, गोली, दवाई की, आप गोली खाते हैं, हम हिंदी में कहते हैं, गोली पीते नहीं हैं, लेकिन असल में हम गोली खाते भी नहीं हैं, हम गोली को पानी के साथ लेते हैं। तो बहुत से जन गोली ले रहा हूं या दवाई ले रहा हूं कहते हैं, हैं, या गोली खा रहा हूं। मुंबई में तो ये चलता है कि गोली खा रहा हूं, जैसे गब्बर सिंह ने कहा था, गोली खा ले कालिया। तो उसी को इंग्लिश में आई एम हैविंग मेडिसिन या आई एम हैविंग अ टैबलेट, आई एम ईटिंग अ टैबलेट नहीं कहते। मेरे एक लेसन में आप देखेंगे कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी हो रहा है, वो कैसे वर्ब्स चेंज होते हैं, वो इस लेसन में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग लेसन बना चुका हूं। लेकिन एक चलते चलते एक बात कह दूं, इसके प्ले है कि मैं एक काम करता हूं, प्लेइंग है ये काम हो रहा है, विल प्ले ये काम होगा यानी कि मैं खेलूंगा, खेलता हूं, खेल रहा हूं, खेलूंगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमारा मूड बताते हैं, जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, यानी काम का वर्ड नहीं है मगर होना चाहिए का भी एक वर्ड है, यानी कि मस्ट, यू मस्ट हैव द मेडिसिन, आपको ये दवाई जरूर लेना चाहिए। आप किसी को कहते हैं तो मस्ट भी वर्ब में ही आता है, या आई मस्ट गो एंड विजिट माई फ्रेंड,
मेरे दोस्त को मुझे मिलना चाहिए, वो बहुत दिन बाद मुंबई आया है। यू शुड गो टू द बाजार या यू शुड गो टू द मॉल, आपको मॉल जाना चाहिए, अब उधर डिस्काउंट लगा हुआ है, अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है आपको आसानी हो, तो आपको ये करना चाहिए, ये शुड हो गया। ऐसे ही कुड, शाल, विल, मे, माइट, मे आई कम इन, इसमें एक्शन वर्ड कम तो आ ही गया मगर मे जो रिक्वेस्ट है, यस यू मे कम इन, यानी कि आप अंदर आ सकते हैं। मे जो है वर्ब है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ईडी में पास्ट सेंस उनका चलता है, जैसे कि प्ले है और मैंने आखिर में उसको ईडी लगा दिया तो वो प्लेड हो गया, खेल दिया या खेल लिया। शाउट को ईडी लगा दिया, शाउटेड यानी कि चिल्लाया। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके पीछे हम ईडी लगाकर पास्ट टेंस नहीं करते, जैसे कि स्विम, स्विम का पास्ट टेंस स्वैम होता है, रन का पास्ट टेंस रैन होता है, गो का पास्ट टेंस वेंट होता है। तो ऐसे जो वर्ब्स जिसके पीछे ईडी नहीं लगता है पास्ट टेंस में, उसे इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। खैर ये टेक्निकलिटी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वर्ब्स को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इंग्लिश में आपको वर्ड्स सीखना पड़ेगा और वर्ब्स में आपको उसके टेंसेस के साथ सीखना पड़ेगा कि अगर मुझे कहना है कि मैं अभी गा रहा हूँ तो आई एम सिंगिंग, मैं गाने वाला हूँ आई विल सिंग, मैं कल स्टेज पर गाने वाला हूँ आई विल सिंग टुमारो ऑन स्टेज। ये सब चीज़ जो है, ये सब वर्ड जो है आपको सीखना है, याद करना है और इस्तेमाल करना है। मैंने मेरे साइट पे बहुत सारे वर्ब्स और उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस एक टेबल बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे मैंने दिया हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश के मुतालिक कोई भी वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने तैयार हूँ, आप मुझे ज़रूर कहना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।